अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू जायास। bubble.io की सीरीज पे ये तीसरी वीडियो है। अभी तक हम दो वीडियोस को कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन को देखा है और bubble.io के अकाउंट को हमने क्रिएट किया। इस वीडियो में हम बेसिकली उस अकाउंट को गो थ्रू करेंगे, बेसिक चीज़ों को हम देखेंगे, bubble.io के प्लान्स को एक दफ़ा फिर ब्रीफली देखेंगे और लास्टली हम एक अपनी bubble.io की फर्स्ट ऐप बनाएंगे जो ऑलरेडी उन्होंने हमारे लिए ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के थ्रू बनाई थी, उसको हम डिलीट कर देंगे और वंस अगेन स्टार्ट से एक bubble.io की ऐप बनाएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पे ब्राउजर को ओपन कर लूंगा और बुकमार्क पे क्लिक करके bubble.io पे आ जाऊंगा। आपने अगर अभी तक बुकमार्क नहीं किया हुआ इसको तो आप डायरेक्टली URL लिख के bubble.io एंटर करेंगे तो होपफुली आप इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर लेंगे। और क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में अकाउंट क्रिएट किया था और अभी तक लॉग आउट नहीं किया, इस वजह से आप देख सकते हैं कि मैं करंटली लॉग्ड इन हूँ। अगर आप बेसिकली लॉग आउट स्क्रीन पे हों, मैं यहाँ पे लॉग आउट करके दिखा देता हूँ, अगर आप इस स्क्रीन पे लैंड करें तो आपको लास्ट वीडियो को देख के अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद आप सिंपली लॉग इन करके इस स्क्रीन पे वापस आ सकते हैं। आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और होपफुली आपने क्योंकि लास्ट वीडियो में अकाउंट बना लिया था तो आप डायरेक्टली विदाउट एनी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस अपने bubble.io के अकाउंट के होम पेज पे लैंड कर जाएंगे। यहाँ पे अब हमारे पास साइड बार में आप देख सकते हैं कि एप्स का पेज है जो कि करंटली हाईलाइटेड है, मीन के हम इस पेज पे हैं एप्स के साइड बार मेन्यू में। उसके अलावा हमारे पास टेम्पलेट्स का ऑप्शन है, प्लगइन्स का ऑप्शन है और मार्केट प्लेस। ये बेसिकली आइकॉन का मतलब है कि अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये एक एक्सटर्नल लिंक ओपन कर देगा। इस आइकॉन का ये मतलब होता है कि ये इस वेबसाइट से बाहर चला जाएगा। मैं क्लिक करके दिखा देता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं वेबसाइट में अगर वहीं पे रहा लेकिन एटलीस्ट इस पेज से बाहर निकल गया, एक नया लिंक ओपन होगा। तो ये तीनों उस तरह के सेक्शन है। अकेडमी की आपको जरूरत नहीं है, आप इस कोर्स से सीख सकते हैं। बिल्ड ये अभी हमारे इसमें अभी हमारा काम नहीं है, इसको हम यहाँ पे आएंगे बिल्ड वगैरह सारी चीजों को देखेंगे। रिसोर्सेज इसकी आपको जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं, लेकिन इस कोर्स को फुली गो थ्रू करने के बाद आपको ऑल इसमें जितना है वो सारा आ जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद सपोर्ट, अगर कोई भी मसला होगा तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे वीडियोस पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज अगर आप चाहें तो यहाँ पे इनको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लास्टली यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे हमारे पास अकाउंट मेन्यू है जिसमें कि अकाउंट इन्फो है, बिलिंग है, फॉर्म है और लॉग आउट है। तो ये bubble.io का बेसिकली मेन जो अकाउंट पेज है और ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। नेक्स्ट हम एक दफा इसके जो हमारे पास प्लान्स अवेलेबल हैं उसको गो थ्रू कर लेंगे और उसके बाद फाइनली हम अपनी पहली bubble.io की ऐप बनाएंगे। प्लान्स को रिव्यू करने के लिए आपके पास बेसिकली दो तरीके हैं। आप यहाँ पे आके bubble.io प्लान्स ये लिख के सर्च कर लें और आपके पास बेसिकली व्यू प्राइसिंग एंड डिटेल्स ऑफर या इसके प्राइसिंग पेज पे डायरेक्टली चले जाएं। दूसरा, आप अगर अकाउंट में लॉग इन है तो आप अपने मेन्यू आइकन पे जो प्रोफाइल मेन्यू आइकन है उस पर क्लिक करें और यहाँ से बिलिंग पे चले जाएं। बिलिंग पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली आप अपने जो अकाउंट बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिट कार्ड वगैरह, उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर ओवरव्यू पे जाएंगे तो ये बेसिकली आपको आपके bubble.io के फुल अकाउंट की जो बेसिकली पेड प्लान्स और ETC जितने भी क्रेडिट्स वगैरह उसकी इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि bubble.io में जो बिलिंग प्लान्स हैं वो बेसिकली ऐप वाइज हैं। आप अपने bubble.io में इस तरह कर सकते हैं कि आपके पास चार फ्री एप्स हैं, उसके अलावा आपके पास यहाँ पे प्लान्स में आ जाते हैं। ये हमारे पास प्लान्स अवेलेबल हैं और अभी तक हम सिर्फ इनको कंसिडर करते हैं, ये क्योंकि उनके साथ कॉल करके ये अलग है, इसको छोड़ देते हैं। तो आपके पास जो bubble.io का अकाउंट है उसमें आप इस तरह कर सकते हैं कि आपके पास चार फ्री एप्स हैं, दो आपके पास स्टार्टर ऐप्स हैं, 10 आपके पास ग्रोथ ऐप्स हैं और 5 आपके पास टीम्स ऐप है। ये टोटली ओके है और आपका वो सारा जो लमसम होगा वो आपको यहाँ पे जो इसका बेसिकली बिलिंग की इंफॉर्मेशन है ओवरव्यू में, वहां पे आपको उसकी पूरी डिटेल नजर आ रही होगी कि ओके आपके जो टोटल प्लेट प्लान्स हैं वो कितने हैं और क्रेडिट्स वगैरह जितना भी आपने पे किया होगा, और जो आपकी बाकी बिलिंग की इंफॉर्मेशन होगी, जिस कार्ड पे चार्ज होगा वो सारा आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। वंस अगेन जो बिलिंग है वो ऐप वाइज है,
अगर आपकी एक ही ऐप सिर्फ और सिर्फ किसी पेड प्लान पे है, कोई भी पेड प्लान हो सकता है, तो सिर्फ उस ऐप का आपको चार्ज होगा और आपको बाकी जो फ्री एप्स हैं उनका बिल्कुल भी चार्ज नहीं होगा। ये एक और बेसिकली बेस्ट चीज है बबल डॉट आईओ के मुताबिक। आपको ये अकाउंट यूज करने पे चार्ज नहीं कर रहे, आप अकाउंट को यूज करें, फ्री ऐप आप कंप्लीट फुल स्टैक ऐप बना सकते हैं फ्री ऐप में रहते हुए। आप उसको सिर्फ पब्लिश नहीं कर सकेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन नहीं है। वो एटलीस्ट पहला कोई जैसे ही पहला पेड प्लान स्टार्ट होता है तो आपको वो लाइव ऐप का ऑप्शन दे रहे हैं कि आप उसको लाइव करें और बेसिकली किसी के साथ भी यूआरएल शेयर करके उसको यूज कर सकते हैं। और एटलीस्ट बेसिकली उसमें कस्टम डोमेन्स वगैरह काफी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि दूसरा ऑप्शन नहीं है कस्टम डोमेन, उसको ऐड करके जैसे मैं बबल डॉट आईओ पे अपनी जायोंस की ऐप बनाऊं और उसके बाद मेरे पास जायोंस डॉट कॉम डोमेन है, मैं इसको लिंक करवा दूंगा बबल डॉट आईओ की ऐप से और इंस्टेड ऑफ ये जो मैंने कस्टम ऐप बनाई है बबल डॉट आईओ की ऐप लोड हो जाएगी, जो कि बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये हमारे पास प्राइसिंग प्लान्स अवेलेबल हैं और इस तरह जो बेसिकली जो प्राइसिंग है या बिलिंग है वो बबल डॉट आईओ में इस तरह मैनेज होती है। नेक्स्ट, अब हम पहले ये जो डिफॉल्ट ऐप हमारी बबल डॉट आईओ ने ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में बना दी थी उसको डिलीट करेंगे और उसके बाद अपनी एक नई ऐप को क्रिएट करेंगे। बबल डॉट आईओ की ऐप को डिलीट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक, आप इस ऐप को ओपन कर लें, बेसिकली आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये उसके एडिटर में लॉन्च हो जाएगी, जो कि बेसिकली बबल डॉट आईओ का एडिटर है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल से। दूसरा तरीका, अभी के लिए मैं इसको रहने देता हूं। दूसरा तरीका जो कि काफी आसान तरीका है और कम टाइम लेगा, वो ये है कि आप इस आइकॉन पे क्लिक करें जो कि इस ऐप का बेसिकली मेन्यू आइकॉन है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो साइड बार एक ओपन होगी जिसमें कि इस ऐप की डिटेल्स आपके सामने आ रही होंगी। यहां से आप अगर आप ओपन है तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा। दो ऑप्शन है, डुप्लीकेट ऐप जो के नाम से जाहिर है कि क्लिक करेंगे तो इस ऐप को डुप्लीकेट कर देगा इसकी करंट स्टेट के साथ। डिलीट ऐप, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये मुझसे पूछेगा कि आप इस ऐप को डिलीट करना चाह रहे हैं, मैं कहूंगा यस, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कह रहा है और पहले बता भी रहा है कि अगर आप इसको डिलीट कर देंगे तो बेसिकली ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पे बाकी भी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा और डिलीट ऐप पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ये करूंगा और बेसिकली मुझे मैंने शायद स्पेस ऐड कर दिया, डिलीट ऐप पे क्लिक करूंगा, देखें स्पेस थी इस वजह से एक्सेप्ट नहीं हुआ। जैसे ही वो मैंने स्पेस खत्म किया है, डिलीट किया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बबल डॉट आईओ की जो डिफॉल्ट ऐप क्रिएट हुई थी वो डिलीट हो गई है। डिफॉल्ट हो या ना हो, जिस ऐप को इस प्रोसेस के साथ आप डिलीट करेंगे वो ऐप डिलीट हो जाएगी और ये बेसिकली नॉन रिवर्टेबल काम है, मतलब इसको आप अनडू नहीं कर सकते। तो प्लीज इस एक्शन को सोच समझ के करिएगा, आपका सारा डाटा लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से मैं आपको ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। फ्री एप्स का आपको कोई चार्ज नहीं हो रहा तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उनको डिलीट करें। आप उसको सिर्फ बेसिकली उसकी जो है यूआरएल वगैरह चेंज कर दें, व्हाट्सो एवर कर दें, लेकिन डिलीट ना करें ताकि आपको इश्यू ना हो। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि हम बबल डॉट आईओ में ऐप को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। बबल डॉट आईओ में ऐप को क्रिएट करने के लिए वंस अगेन आपको अपने अकाउंट में लॉग इन होना जरूरी है और आपके पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपने साइड बार में ऐप्स के टैब में होना है, रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपके पास अगर कोई ऐप होगी जैसे कि पहले हमारे पास थी तो वह ऐप यहाँ पे शो हो रही होगी और आपके पास यहाँ पे क्रिएट ऐप का बटन होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐप नहीं होगी जैसे हमारे पास यहाँ पे नहीं है तो क्रिएट ऐप का बटन जो यहाँ पे हमेशा रहेगा अनटिल अनलेस के बबल डॉट आईओ अपनी यूआई चेंज कर दे वो नजर आ रहा होगा और यहाँ पे भी एक बटन नजर आ रहा है जो कि सेम बटन है, सेम काम करेगा। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे नाम पूछेगा कि क्या करना है। तो मैं यहाँ पे कह दूंगा जायोंस बबल आयो कोर्स, ओके, मैंने ये नाम दे दिया इसको और यहाँ पे मैं YT कर दूंगा फॉर YouTube। यहाँ फिर उसके ऑप्शन नहीं है, बेसिकली करेक्टर लिमिट खत्म हो गई है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा तो ये ऑब्वियसली बैकएंड में इस ऐप को क्रिएट करेगा जो कि बैकएंड बबल डॉट आईओ का है। आपको उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बबल डॉट आईओ उसको मैनेज कर रहा है। हमने सिर्फ और सिर्फ कहा कि आप ऐप को एक प्रोजेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूंगा जायोंस एक प्रोजेक्ट है तो बबल डॉट आईओ में ये एक ऐप है, ट्रिजलिंक एक प्रोजेक्ट है तो ये बबल डॉट आईओ में ट्रिजलिंक के नाम की मैं एक ऐप बना दूंगा, जी लिंक
एक है प्रोजेक्ट, तो मैं उसकी बबल डॉट आयो में एक ऐप बना दूंगा। एक प्रोजेक्ट एक बबल डॉट आयो ऐप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, जैसे ही अब मैंने ये बेसिकली क्रिएट ऐप पे क्लिक किया, तो आप होपफुली ये पेज आपके लिए थोड़ा फेमिलियराइज होगा। ये जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे थे, तो अकाउंट ऑनबोर्डिंग के बाद बबल डॉट आयो ने हमें वेब जो ऐप है उसके ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पे किया था, जो कि ये सेम पेज था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नाम हमने चूज किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। मैं कहूँ अगर आप नाम को बेसिकली चेंज अभी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जो पहले हमने नाम दिया था वो बेसिकली इस प्रोजेक्ट की, इस ऐप की आईडी के तौर पे यूज हो गया था। अब ये बेसिकली इसका डिस्प्ले नेम है। अभी के लिए मैं इसको यही रहने दूंगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, यहां से आप इसका फॉन्ट यूज कर सकते हैं, बेसिकली फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, और ये सारा बाद में कस्टमाइजेबल है। हम इस सारी चीजों को बाद में डिटेल से देखेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे एक डिफॉल्ट फॉन्ट यूज कर लूंगा जो कि मुझे काफी पसंद है, लाटो। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, कलर्स, बेसिकली ऐप के कलर्स। अभी हम इसको बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है। कॉम्प्लेक्स इस सेंस में कि आपको जरा सोच के कलर्स रखने पड़ेंगे, आप सारे ब्लैक नहीं कर सकते, वो फिर कुछ भी नजर नहीं आएगा अगर मैं हर एक चीज को ब्लैक कर दूंगा। तो इस वजह से इसको प्लीज एडिट ना करें। और अब मैंने कर दिया है तो मुझे इसको रीसेट का भी ऑप्शन नहीं है। बैक, नेक्स्ट, ओके, मैंने इसको खराब कर दिया है। रिफ्रेश करके देखते हैं, होपफुली शायद ये मुझे बेसिकली रिवर्ट कर दे इस चीज को। तो कलर्स को बेसिकली जब तक कि आपके पास कलर्स की सेंस ना हो उनको रहने दे। और उसके लिए मैं आपको बेसिकली कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा जहां से कि आप बहुत ही अच्छे कलर पैलेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। मैंने वहां पे रिफ्रेश किया है तो उसने मुझे इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया और उस ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को उसने फिनिश कंसिडर कर दिया। तो मैं बेसिकली उस ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को आपको फुली दिखाना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं बबल डॉट आईओ पे फिर एक दफा क्लिक करूंगा। और इसी से आप देख सकते हैं कि हम जितनी मर्जी ऐप्स बना सकते हैं, हम पे ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये ऐप क्योंकि अभी हमें नहीं चाहिए और मैं नाम सेम ही यूज करना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं नाम को कॉपी करूंगा और इस ऐप को डिलीट कर दूंगा। और ये करके डिलीट ऐप, और उसके बाद हम फिर एक दफा क्रिएट ऐप करेंगे सेम नाम के साथ, क्योंकि मैं इसी नाम को यूज करना चाह रहा हूँ। और इसको बेसिकली अगर मैंने इसको डिलीट ना किया होता तो ये आईडी यूज में होनी थी और मैं इस आईडी को यूज नहीं कर सकता था। और अब मैं यहाँ पे बेसिकली जो फर्स्ट टू स्टेप्स जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं उनको क्विकली फिनिश कर लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि जो कलर्स के बाद हमारे पास अगर कोई स्टेप आता है, यहाँ पे वो हमें रीडायरेक्ट कर देता है बेसिकली एप्लीकेशन एडिटर पे। न्यू ऐप क्रिएट करने के बाद हम वापस इस पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दूंगा, वो ऐप का नेम है। यहाँ पे मैं एक दफा फिर लाटो को सिलेक्ट कर लूंगा, नेक्स्ट। अब हम इसे चेंज नहीं करेंगे, नेक्स्ट। और लास्टली ये बेसिकली सिर्फ ये हमें बता रहा है वांट टू ऐड सम प्लगइन्स। यहाँ से बेसिकली हम प्लगइन्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम इस स्टेप को स्किप कर देंगे और जब उस वीडियो तक हम पहुंच जाएंगे जिसमें हमने प्लगइन्स को डिस्कस करना है तब हम इसको देखेंगे। गेट स्टार्टेड बिल्डिंग, और लास्टली यहाँ से बेसिकली इसको नहीं करना, सॉरी सॉरी, ये नहीं करना स्टार्टर प्लान। ये बेसिकली फ्री फॉर 14 डेज है, ये नहीं करना, एक्टिवेट ट्रायल नहीं करना। ये अगर हमें कभी जरूरत होगी तो तब हम इस ट्रायल को यूज करेंगे। अभी के लिए हम फ्री प्लान को यूज करेंगे, $0। ओके, स्टार्ट। और उसी के साथ आप इस बेसिकली स्क्रीन पे लैंड करेंगे, और इस स्क्रीन को बेसिकली बबल डॉट आईओ का ऐप एडिटर कहते हैं या एप्लीकेशन एडिटर पेज कहते हैं, जिसमें कि हम अपनी ऐप की पूरा काम करते हैं जो भी हमने करना होता है। इसी के साथ हमारा जो आज का एजेंडा था वो कंप्लीट हो गया। हमने अपनी फर्स्ट ऐप को बना के देख लिया, उसकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को देख लिया, हमने प्लान्स को डिस्कस कर लिया, और हमने ये भी देख लिया बबल डॉट आईओ को भी गो थ्रू कर लिया जो उसमें हमारे पास बेसिक पेजेस अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे कि इस विजुअल एडिटर से स्टार्ट करेंगे, इसकी टॉप बार में, साइड बार में, यहाँ पे जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं इनको जरा ब्रीफली देखेंगे, टॉप बार में जो चीजें अवेलेबल हैं उनको ब्रीफली देखेंगे और जरा इस एडिटर से थोड़ा सा फेमिलियराइज होंगे। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं और आपके पास भी इसका लिंक अवेलेबल है, वहां से भी देख सकते हैं, फिर हम टॉप बार को डिटेल में देखेंगे, हर एक बेसिकली जो हमारे पास ऑप्शन है वन बाई वन। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली
होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वंस अगेन, अगर आपने अभी तक अपने किसी कोलीग या फ्रेंड या सबलिंग के साथ इसको शेयर नहीं किया जो कि इससे बेनिफिट हासिल कर सकता है, तो प्लीज आज ही उनके साथ शेयर करें ताकि वो साथ साथ इसकी लर्निंग कर सकें। उनका कोई क्वेश्चन हो तो वो ड्यूरिंग द कोर्स डेवलपमेंट टाइम उनको आस्क कर सकें, क्योंकि जब एक दफा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर नेक्स्ट जो कोर्सेज होते हैं उन पर ज्यादा फोकस हो जाता है, और पिछले कोर्स पे थोड़ा सा जो कह लें कि एटलीस्ट उसका मोर डेवलपमेंट टाइम होता है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब वो डेवलप हो रहा होता है तब उस पर कोई भी चेंज करना, कोई नई चीज ऐड करना बहुत ज्यादा आसान होती है और तभी ज्यादा रिकमेंड होती है। तो प्लीज आप अभी उनके साथ शेयर करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इस कोर्स से बेनिफिट हासिल कर सके। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है कोर्स के रिलेटेड, चैनल के रिलेटेड, ज़ायोंस के रिलेटेड, मेरे रिलेटेड, अगर है कोई तो प्लीज उसको मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। होपफुली अप्रोप्रिएट क्वेश्चन होगा और हम इंशाल्लाह उस पर कंटिन्यू करेंगे। खैर, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.